है ठीक है, लेकिन वीडियो को जो फैला रहा है ना, तो वो गलत गलत चीज क्यों फैला रहे हो दुनिया में? पहले कोरोना चल रहा है, पहले दुनिया चली जा रही है, अभी अभी सुशांत का हुआ, क्यों लड़की को डिप्रेशन में डाल रहे हो? सही है सही है सही है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं देख, हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार निशा गुरगेन के बारे में, जिनका एक ऑडियो और एक वीडियो भी लीक हुआ है, जिससे क्लियर हो जाता है जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुआ था वो निशा गुरगेन का ही है। और यहाँ पे निशा गुरगेन ने एक स्टेटमेंट भी मुंबई पुलिस को सबमिट किया था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं निशा गुरगेन कौन है। तो निशा गुरगेन एक टिकटॉक स्टार है, जिसका टिकटॉक पे 27 मिलियन फैंस फॉलोवर है और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन, जिनका एक वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था, जो काफ़ी ज़्यादा गंदी वीडियो है। टाइम पहले निशा गुरगेन अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे और उन्होंने ये बताया था कि टिकटॉक पे वीडियो वायरल हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मेरे और जो है सिर्फ टिकटॉक वीडियो को वायरल कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग ये कह रहे थे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो निशा गुरगेन का ही है, और कुछ लोग कह रहे थे निशा गुरगेन का नहीं है। लेकिन फाइनली निशा गुरगेन का एक आइडियो जो है लीक हो चुका है। तो सबसे पहले ये आइडियो सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है से वीडियो जो है हमारा ही है और ये वीडियो कैसे लीक हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को लीक किसने किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने किया है? लीक नहीं किया है, गलती से फेक हो गया। अच्छा, कैसे? मतलब आपने ये वीडियो पहले कहाँ, मतलब ये वीडियो कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे लीक हुआ था पहले? देखा नहीं, अभी तो बोला मैंने, स्नैपचैट पे। अच्छा अच्छा, स्नैपचैट पे पब्लिक हो गया, राइट? तो आपने यहाँ पे आइडियो सुन लिए, जिसमें क्लियर बताया गया है ये आइडियो जो है मेरा ही है और मैंने ही शूट किया हूँ। ये आइडियो स्नैपचैट पे बाय मिस्टेक 2 घंटे के लिए स्टोरी पे लग गया था, और यहाँ पे उसके फैंस जो है वो स्टोरी को डाउनलोड कर लिया, और इसके बाद उसी वीडियो को फिर से टिकटॉक या सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, और फिर जाके ये वीडियो वायरल हो गया। तो इस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ इसके, और यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पे कुछ क्लिप भी वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले ये वीडियो भी देख सकते हैं। आइडियो भी आपको प्ले कर दिखा दिया और एक वीडियो भी, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है ये वीडियो जो है निशा गुरगेन का ही है, और निशा गुरगेन ने इस वीडियो को खुद से शूट किया था। और जो लड़का जो था रमजाम है, निशा गुरगेन टिकटॉक पे भी फॉलो करता था, और अब जो है उसे अनफॉलो कर दिया है, और इस लड़का का फेसबुक पे भी अकाउंट है और इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया है। इसके बाद निशा गुरगेन ने मुंबई पुलिस को एक स्टेटमेंट सबमिट किया था, तो आप यहाँ स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, जिसमें उसने क्लियर बताया है कि ये वीडियो जो है मेरा ही है, जो रमजान मेरा बॉयफ्रेंड है, जो मैं ही वीडियो को शूट कर रहा था, और ये वीडियो मेरे से बाय मिस्टेक स्नैपचैट के स्टोरी पे 2 घंटे के लिए लग गया था। और इसके बाद हमारे फैंस ने ही हमें कॉल कर बताया कि हम एक वीडियो जो है आप स्टोरी पे लगा रखे हैं। इसके बाद निशा गुरगेन ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। फिलहाल में निशा गुरगेन अपने टिकटॉक के सारे वीडियो को कमेंट को ऑफ कर रखे हैं, और इंस्टाग्राम के कई सारे पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में उसने ये बोले थे ये मेरा वीडियो नहीं है, अब ये बोल रहे हैं ये वीडियो मेरा ही है। तो आप लोगों को करना क्या है, यदि आप उसके फैंस हैं तो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे जाओ और उनको अनफॉलो करो। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।